अवंती का पार्क में कर्मचारी यूनियन की बैठक का आयोजन, सभासद पति के खिलाफ खोला मोर्चा, शहर में निकाला पैदल विरोध मार्च। बता दें कि गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के अवंती का पार्क में कर्मचारी यूनियन की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में बोलते हुए गुरुवार को प्रदेश उप महामंत्री आदेश अग्रवाल ने कहा है कि कर्मचारियों का कतई भी शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से सभासद पति द्वारा कर्मचारियों पर झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, बेवजह परेशान किया जा रहा है, उसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुवार को गुस्से में आए सभी कर्मचारियों ने शहर में निकालकर विरोध पैदल मार्च भी निकाला और कहा कि यदि ऐसा ही रवैया चलता रहा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इस मौके पर प्रदेश उप महामंत्री आदेश अग्रवाल, ललित कुमार नगर अध्यक्ष, प्रदीप वाल्मीकि सचिव, वेद प्रकाश उपाध्यक्ष, जयचंद उपाध्यक्ष, महेश वाल्मीकि उपाध्यक्ष, मुनीष वाल्मीकि उपाध्यक्ष एवं वहाँ मौजूद सैकड़ों सफाई कर्मी भी मौजूद रहे। उनका कहना है कि जिस तरह से सफाई कर्मियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में भी घूमकर उन्होंने विरोध मार्च निकाला। परेशान किया जाता है, कुछ मेंबर के पति ऐसे हैं जो ऑफिस में आते हैं और कर्मचारियों को भी धमकाते हैं, आपके खिलाफ भी उल्टी सीधी बातें करते हैं कि वहाँ सफाई नहीं हुई, इन्हें कर्मचारियों को हटाओ, इन्हें सस्पेंड करो, इन्हें ये करो, उन्हें वो करो। ऐसा ही एक मेंबर पति ने हमारे कर्मचारियों के खिलाफ एक फर्जी शिकायत दर्ज कराई है कि नगर पालिका वाले फर्जी वोट बनाते हैं, जबकि नगर पालिका को वोट बनाने का कोई अधिकार नहीं है। पीएलओ नियुक्त करते हैं एसडीएम साहब, सुपरवाइजर नियुक्त करते हैं एसडीएम साहब, जिला प्रशासन से इसके सारे वोट बनते हैं, परंतु एक सभासद पति जिसका नाम अमित कुमार है, वो अपनी फर्जी पत्रावलियाँ कराने के चक्कर में, अवैध लाभ उठाने के चक्कर में हमारे पालिका कर्मचारियों को परेशान करता है। इससे पहले भी उसने हमारे ललित बाबू को परेशान किया था, इन्होंने भी उसके खिलाफ एफआईआर कराई थी, परंतु वो दबाव में वापसी ले ली। हमारे एक वेद प्रकाश हैं, उन्हें भी परेशान किया था, उन्हें बदतमीजी करी थी, उनके साथ गाली बकी थी, परंतु वो भी चेयरमैन साहब के दबाव में पूर्व वालों के उसे वापसी दे लिया गया। इस आदमी की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, ये ऑफिस में आके सबको गाली मकता रहता है, बदतमीजी करता है, और उसके अलावा अब इसे कुछ नहीं हुआ तो इसने कर्मचारियों के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट निकाली। हालांकि वो इतनी बड़ी रिपोर्ट नहीं है, उसने गलत तथ्यों को पेश करके ये रिपोर्ट लिखाई है। हम अभी अपना पक्ष रखेंगे और उसमें थाना अध्यक्ष से ही रिपोर्ट लगनी है, लेकिन इसकी अगर हम यहाँ पर चुप बैठ रहे तो ये आदमी हमें कल को और परेशान करेगा, हमसे फर्जी काम कराने पर दबाव डालेगा। ललित कुमार भी इसके साक्ष्य हैं, वो खड़े हो, आपके साथ क्या तबीयत करी थी उन्होंने, बताओ बताओ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर एफ आई आर लिखवाई थी मैंने, और उसके बाद में नागपाल जी चेयरमैन थे तो उन्होंने मना करा दिया था। ऐसा ही बाकी हमारे जो वेद प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ लिपिक हैं, वो 8 महीने बाद रिटायर भी होने वाले हैं, उन्हें भी इस व्यक्ति ने गालियाँ बकी थी, उस वक्त भी सब लोगों ने फैसला करा दिया। ये इसी बात की वजह है कि आज ये इतना ताकतवर हो गया है, भू माफिया भी है ये, और इस तरह की बातें भी करता है, हर समय फर्जी काम में लगा रहता। तो हमें सबको एकजुट रहना है और ऐसे आदमी के प्रति सतर्क भी रहना है, और हम सब एकजुट होकर इसका प्रतिशोध, इसका मतलब खंडन करेंगे इस बात का, और ऐसा ऐसे कर्मचारी, ऐसे मेंबर या मेंबर पति के हमें सबको होशियार रहना है, इसका हमें सबको खंडन करना है, ठीक है ना? सब लोग बताइए। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। हाय हाय, अमित मेंबर, हाय हाय, अमित मेंबर, हाय हाय।
हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भू माफिया हाय हाय, भू माफिया हाय हाय, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ठीक कर्मचारी एकता।